ये जो फैसला जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने शुरू किया, कंसीव किया 1974 में और उसको आगे बढ़ाया जनरल जियाउल हक साहब ने, डॉक्टर ए क्यू खान साहब ने, गुलाम इसहाक खान साहब ने और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, और उसको पाया तकमील तक पहुंचाया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने। उसमें पूरा सिस्टम जो था ना, होल ऑफ नेशन और होल ऑफ सिस्टम अप्रोच है। मैं समझता हूँ उसमें गुलाम इसहाक खान जो 18 साल रहे 75 से 1993 तक, वो इंचार्ज थे न्यूक्लियर प्रोग्राम में, उनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैंने तो उनको पार्लियामेंट में भी ट्रिब्यूट पेश किया है, क्योंकि वो चूंकि उनकी सियासी को इतना सपोर्ट नहीं था तो लोग जिक्र नहीं करते उनका, लेकिन हमें जिक्र करना चाहिए क्योंकि हम भूल जाते हैं अपने कौमी हीरोज को। और उसमें बाकी साइंसदान भी शामिल थे, बहुत बड़ा फैसला था, और लेकिन कौमी सलामती का सबसे बड़ा फैसला था पाकिस्तान की तारीख। और उसमें खास तौर पर मैं फॉरन मिनिस्टर आगा शाही को भी क्रेडिट देता हूँ, लोग भूल जाते हैं अपने असल हीरोज को, किस तरह इन लोगों ने एक इस्तेकामत के साथ, एक क्लैरिटी के साथ, टोटली लॉयल टू द ऑब्जेक्टिव कि हमने ये काम करना है, और जिस तरह काम करके दिखाया और कामयाबी से कराया। हालांकि आपको पता है हमारे सिस्टम में नालायकी भी होती है, नाकामियां भी होती हैं, सुस्ती भी होती है, लेकिन इस इशू पर चूंकि ये कौमी सलामती का इशू था तो ये, लेकिन ये भी क्रेडिट बड़ा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ये कंसीव किया 71 के बाद, जब पाकिस्तान दो लख्त हो चुका था, उनका कितना बड़ा विजन था कि नहीं, हम जंग भी हारे हैं 71 की, मुल्क दो लख्त हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों में हिम्मत है एंड वी विल नॉट गिव अप, और हम बम बनाएंगे और हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे। और वो उनका जो ख्वाब था वो 24 साल के बाद, 25 साल के बाद पूरा हो गया। हालांकि उस दौरान मार्शल लॉ भी लगे, फांसियां भी हुई, लोग अंदर भी गए, गवर्नमेंट्स भी चेंज हुई, आर्मी चीफ्स भी चेंज हुए, लेकिन इस इशू पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ।